आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया गणित का मजा ले रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और मेरी पूरी वीडियो को देख रहे होंगे जैसा कि आपके कमेंट से लगता है मुझे। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत एक खुराक का काम करते हैं, और मैं अपनी वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको गणित की प्रत्येक अवधारणा समझ में आ जाए। आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संजय गुणनखंड। हम उनका व्यवहारिक प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से हम उनको टाइले लगाकर व्यवहारिक प्रयोग द्वारा, संजय गुणनखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टर्म है हमारी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, और 25 के गुणनखंड देखते हैं पहले हम। आप गुणनखंड बनाना जान ही चुके हैं, 25 के फैक्टर क्या आएंगे एक तो जानते ही आप, 1 25 का फैक्टर होएगा, क्या 1 2 25 का फैक्टर होएगा। अभी तक आप समझ चुके हैं कि फैक्टर जो है ना पूरे विभाजक होते हैं। अब देखिए 25 को 2 से हम भाग करते हैं, क्या 2 25 का विभाजक है? 2 एकम 2, उतार लिया 5, 2 दूना 4, तो 2 25 का विभाजक नहीं है, यहां पर एक शेष बचता है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, 2 इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार आप 3 से देखिए, 25 को 3 से भाग कीजिएगा, 3 8 24, यहाँ पर एक बच गया शेष, ये भी इसका विभाजक नहीं है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। एक के ना 2 ना 3 ना 4, फिर 5 इसका फैक्टर है, 5 के बाद 25 का फैक्टर है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, 5 गुणा 5, बस यही बनेंगे केवल। अब हम 35 के फैक्टर देखते हैं, 35 दिया हुआ है ना आपके पास, दूसरा 1 गुणा 35, 35 एकम 35 होता है, 2 के 12 में 17 गुणी 34 होता है, 18 गुणी 36 होता है, 35 नहीं आता। 3 पे 3 पे 12 या 36 नहीं आएगा, 4 पे 4 नहीं 36, 4 8 32 नहीं आएगा, 5 7 35 वापस रिपीट होने लगेगा। तो 25 के फैक्टर 1 5 25, और 35 के फैक्टर 1 5 7 और 35, दोनों के सांझे फैक्टर, सांझा का मतलब कॉमन, सार्व गुणनखंड, क्या कहते हैं इनको, सांझा या सार्व कहते हैं इनको, सार्व गुणनखंड। कौन कौन से आएंगे बच्चों? जो दोनों में हो, यानी कि 1 5, बस 2 ही है हमारे। अब ये 25 का है हमारा, यहाँ पर 25 के लिखेंगे और यहाँ पर 35 में लिखेंगे, जो ये बीच वाला हिस्सा है ये दोनों में है, 1 और 5 तो यहाँ आएगा हमारा, और 25 इधर आएगा, और 35 में 1 5 तो यहाँ 35 का फर्क सर्कल है ना, ये 1 5 यहाँ आ गया, 7 और 35 यहाँ आएंगे। इस प्रकार जो ये हिस्सा दोनों को कवर करता है ये हमारे सांझे गुणनखंड को दर्शाता है। सांझे गुणनखंड का व्यापार के लिए, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एक गतिविधि करते हैं, हम गतिविधि के माध्यम से हम प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सांझे गुणनखंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फर्श में टाइले लगाएंगे, जैसे कि आपकी पुस्तक के पेज नंबर 98 98 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोज ने एक नया घर बनाया। चलिए गतिविधि करते हैं, आओ बच्चों सेंटीमीटर और मीटर के बारे में जानते हैं। आपको पता है एक सेंटीमीटर बहुत ही छोटी इकाई होती है, आपके पास देखा भी आपने, ये आपके पास देखो स्केल है, देखो ये स्केल है ना, ये छोटा स्केल आपके पास होता है, ये 15 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का बताया बच्चों, और ये बड़ा, इसको हम फुटा क्यों कहते हैं बच्चों? आप नाम सुना होगा फुटा, सुना है ना नाम फुटा, ये फुटा क्यों कहते हैं इसको बच्चों? एक नई टर्म है गणित की, बस मिलने की, ये 1 फुट दूरी है, ये मैंने बनाया हुआ है, यहां से दूरी कितनी है, ये 1 फीट दूरी है। हम टाइलों को फिट में लगाते हैं, कमरा फिट में होता है, हमारी जो ये सोने की जो चारपाई होती है ना, या हमारा बेड, उसकी लंबाई 6 फीट होती है, और आपकी लंबाई कितनी है? आपकी लंबाई लगभग 4.5 फीट है, मेरी लंबाई 5 फुट से ज्यादा है, 5.5 फुट होती है आमतौर पर, तो ये फीट में मापते हैं हम। तो 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखो ये लगभग 30 सेंटीमीटर, ये देखो ये फुटे में दिखा रखे हैं, ये इसमें 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, ये देखो ये, और ये 12 इंच होते हैं, इंच एक दूसरी इकाई है, फुट इंच, ये फीट और ये इंच, ये दूसरी इकाई होती है जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, परंतु जो स्टैंडर्ड इकाई है वो मीटर सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर का हमारा 1 फीट बनता है। अब हम जो कमरे में टाइलें लगाते हैं वो फिट के रूप में आती हैं, तो मैं जो गतिविधि में बताऊंगा आपको, 1 गुणा 1 की टाइलें, इसका मतलब क्या है, 1 फिट गुणा 1 फिट की टाइल, वर्गाकार टाइलें हैं वो, ऐसी टाइलें हैं, उसकी लंबाई 1 फिट है, चौड़ाई 1 फिट है, बड़ी टाइल है जो, ये देखो ये बड़े आकार की है, ये 2 बाई 2 की वर्गाकार टाइल है, की
कैसे डाले ये भी 2 × 2 की, यानी कि इसकी लंबाई 2 फीट है और चौड़ाई 2 फीट, इसे डबल होगी। और 3 फीट कितना होता है बच्चों, लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, 30 30 30 90 सेंटीमीटर, यानी कि 3 फीट हमारा लगभग 1 मीटर के बराबर बनेगा। ये फीट और के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए। और आपकी जो चारपाई की लंबाई होती है वो 6 फीट होती है। मीटर सेंटीमीटर और फीट के बारे में आप अपने आसपास की वस्तुओं को जानकर लंबाई का ज्ञान प्राप्त कीजिएगा और मेरी पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आओ बच्चों, अब हम एक गतिविधि के माध्यम से मनोज के नए घर में जो उसने फर्श बनाया है, फर्श पर टाइलें लगाते हैं। ये देखो, ये 9 इसकी चौड़ाई है, 12 इसकी लंबाई है। ये इस प्रकार का कमरा उसने बनाया है, 9 फीट × 12 फीट। आओ इस पर वह 3 तरह की चौकोने टाइल लगाते हैं, 1 फुट × 1 फुट। देखो ये 1 बाई 1 की टाइल वो लेके आता है, 2 बाई 2 की टाइल, ये देखो ये 2 फुट की टाइल है, ये वर्ग है, ये 1 बाई 1 का वर्ग, ये 2 फुट लंबाई है इसकी, ये देखो 2 के बराबर है ना। ये एक बड़ा वर्ग बड़ी टाइल लगाया है, ये 3 बाई 3 की टाइल है, इसकी लंबाई 3 फिट और चौड़ाई 3 फिट है। तो 3 प्रकार की वर्गाकार टाइलें हैं। आप ये बताना है कि उसे कौन सी आकार की टाइलें लगाए ताकि उसका घर सुंदर बने और कोई टाइल उसको काटनी ना पड़े। चलो बच्चों हम लगा के देखते हैं। सबसे ये तो बहुत छोटी टाइल है बच्चों, इनका अब जमाना अब नहीं है। चलो फिर भी लगा के देखते हैं। ये 1 बाई 1 की टाइल, ये लंबाई कितनी है आपकी, 12 है ना। चलो देखते हैं कितनी टाइल लगती है ये इसमें, ये 3, एक और लगा देंगे हम, ये 4, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर टाइलें आपने लगानी है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, कोई टाइल काटनी नहीं है, 9 9 10 11 और ये 12। तो उसने कितनी टाइल लगाई इस प्रकार से करते करते, उसने 12 टाइल लगी, क्योंकि इसकी लंबाई 12 थी, इस 12 फीट थी ना लंबाई कमरे की, तो 1 फीट में 1 टाइल लगती है, तो ये 12 टाइल एक लाइन में लग गई। अगली लाइन में कितनी टाइल लगेंगी, यहाँ पर भी एक लाइन में 12 टाइलें, तो यहाँ पर भी कितनी टाइल लगेंगी बच्चों बताओ आप। देखो जो ये लाइन बनेगी यहाँ पर, मैं इधर इधर कर रहा हूँ, ये इसकी सीध में कितनी टाइल लगेंगी, यहाँ पर भी लगेंगी 12 टाइलें। और इससे अगली लाइन में यहाँ पर कितनी लगेगी, 12 लगेंगी ना, और यहाँ पर ये 12 लगेगी यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर कितनी लगेंगी, 12 लगेंगी, सीध में लगाएंगे यहाँ भी, और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ कितनी लगी है, ये 12 लगी, यहाँ पर कितनी लगी, यहाँ पर ध्यान से देखो 12 ही लगी, सब जगह ये 12 लगेगी ना, यहाँ पर 12 लगी, और यहाँ पर देखिए ये टाइल बिल्कुल पूरी पूरी हमारी, इसको सीधे करेंगे अगर हम रील में करेंगे तो पूरी पूरी फिट हो गई हमारी, देखो थोड़ी सी पिंगी है, यहाँ पर भी 12 टाइलें लग गई। क्या कोई टाइल काटनी पड़ी, 12 की लाइन ये बनेगी, 12 की लाइन, 12 12 की 9 लाइन है ना, तो कुल कितनी लाइनें बनेंगी, 12 × 9, यानी कि 12 को 9 से हम गुणा कर देंगे, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9 और 108 टाइल। तो ये 1 बाई 1 की हम टाइलें लगा सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम 2 बाई 2 की टाइल लगाते हैं, यानी कि 1 बाई 1 की टाइल तो लग सकती है ना। चलिए अब देखते हैं 2 बाई 2 की टाइल कैसे लगती है। 2 बाई 2 की टाइल भी हमारे पास है, ये देखो ये 2 बाई 2 की टाइल है, इसकी लंबाई 2 और चौड़ाई 2, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखो ये 2 बाई 2 की, इधर भी एक टाइल लगी, कितनी लगी, 3 लगी ना, बताओ कितनी टाइल लगेंगी, 12 है ना, ये 2 2 की 6 टाइल लगेंगी ना, ये देखो 4 और ये 5 और ये 2 में 1 टाइल और हमारी एग्जैक्टली आ जाएगी, ये देखो पूरी पूरी लगी ना 6। अब अगली लाइन में सोचो कितनी लगेंगी, अगली लाइन में भी 6 ही लगेंगी। चलो लगाते हैं, ये देखो 1 लगी ना यहाँ पे, 1 यहाँ पे ही लगी, इसको सुंदर से बना देते हैं, यहाँ लगाते हैं, रंग बिरंगी करनी है ना आपने, तो ये देखो 1 यहाँ लगी, 1 यहाँ लगी, ये वाइट वाली टाइल, 1 लाल वाली टाइल मैंने यहाँ लगा दी, और बीच में 1 टाइल पूरी पूरी आएगी, कोई टाइल आपने काटनी नहीं है। तो इस लाइन में कितनी टाइल लगी बच्चों, 6 लगी ना।
अगली लाइन में देखते हैं, फिर अगली लाइन में भी हमारे छह ही लगेंगे इस प्रकार से, यहाँ से छह टाइल लगेंगे ना इसमें भी, ये देखो कर आप लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा लेंगे यार। इससे अगली टाइल में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये, यहाँ पर भी कितनी लगेंगी, ये कितनी लगेंगी बच्चों, छह लगेंगी, लगी ना। और यहाँ पर देखो ये टाइल पूरी नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि हम 2x2 की टाइल इसमें नहीं लगा सकते, 12 की तरफ तो लगा सकते हैं, 9 की तरफ यहाँ से हमें टाइल काटनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1 फिट बच गया ये हमारा, कितना था ये 9 फिट था, तो कितना बचा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो यहाँ पर 1 फिट बचेगा, तो टाइल हमें काटनी पड़ेगी। तो क्या कोई इसकी विधि है, क्या कोई इसका तरीका है, चलो देखते हैं, 3x3 की टाइल लगा के देखते हैं पहले। अच्छा पहले बता, 2x2 की कितनी टाइल लगेगी, 6 टाइल यहाँ, 6 टाइल यहाँ, 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, और यहाँ पर काटनी पड़ेंगी, तो 2x2 की टाइल हम पूरी फिट नहीं कर सकते बिना काटे, तो ये काटनी पड़ेंगी। चलो अब 3x3 की टाइल देखते हैं, ये 2x2 की हम हटा देते हैं ना इनको, तो क्योंकि तो आती नहीं, 3x3 की बड़ी टाइल होती है, जल्दी लग जाएंगी आपकी। चलो 3x3 की देखो, ये 3x3 की टाइल है, एक कितनी लगेगी, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो 4 लगेगी ना, ये तो आप बता ही सकते हैं बड़ी आसानी से, ये 4 टाइल लग गई, ये बड़ी जल्दी लग गई हमारी, आजकल बड़ी बड़ी टाइल ही लगाते हैं ना घरों में। और यहाँ पे कितनी लगेगी, 3, और ये 3, 6, ये देखो कितनी जल्दी लग रही है, हमें मज़ा भी आ रहा है करने में, है ना, आप भी करेंगे एक्टिविटी तो बड़ा ही मज़ा आएगा, ये बड़ी इंजॉय एक्टिविटी है, लेकिन आपने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर टाइलें लग गई हमारी, कितनी टाइल, कोई टाइल काटनी नहीं लगी, कोई टाइल काटनी नहीं पड़ी पूरी की पूरी, क्योंकि ये 9 फिट था ना बच्चों, तो यहाँ पर ये 3, 3, 6 और 3, 9, ये भी पूरी आ गई, ये भी पूरी आ गई। तो इसकी विधि क्या है, चलो हम इसके तरीके पर चर्चा करते हैं, कैसे ये टाइल हमने बनाई है। ये तो आपने देख लिया, एक की टाइल पूरी लगी है, यहाँ लिख लेते हैं हम, 1 फिट की टाइल लगी, 1x1 की टाइल लगी है, और 3x3 की टाइल, 1x1 की लगी 108 टाइल, और 3x3 की 4, और 4 8, और 4 12, ये 12 टाइल लगी है, 4 यहाँ लगी, 3 3 के ना, और 4 यहाँ और 4 यहाँ, ये 12 टाइल लगी, ठीक, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो कैसे लगी, मैंने आपको बताया है सांझे गुणनखंड, चलो 12 के गुणनखंड करते हैं हम, पहले हम 1, 2, 3, 4, क्या 5 गुणनखंड बनेगा इसका, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखो ये 5 अगर हम बनाएं इसके, 5 5 के हम बनाने लगे ऐसे, 3 4 और ये 5, और अगला 5 का बनाएं हम, ये देखो अब 2 आगे आएगा, तो ये पूरे पूरे बटे नहीं, पूरी पूरी आयत यहाँ पे नहीं बनी, तो गुणनखंड नहीं है ये, और 6 6 गुणनखंड है इसका, 7 8 9 आगे गुणनखंड नहीं है। आप आए आइकन पे, बटन पे क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देखें, वहाँ से कर सकते हैं। अब 9 के गुणनखंड निकालिए आप, 1 3 और 9 बनेंगे, दोनों के सांझे गुणनखंड निकालिए आप, सांझे गुणनखंड कितने आएंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों में 1 है और दोनों में 3 है, ये देखो यहीं पे ये सांझे गुणनखंड की अवधारणा का यही मतलब है कि अगर हमारा आयताकार कमरा है उसमें हमें टाइलें लगानी है, तो जो सांझे गुणनखंड है उसके आकार की वर्गाकार टाइलें लगेंगी, कैसी टाइल लगेगी बच्चों, वर्गाकार टाइलें, ये आपने निकालना है। तो 1x1 की कितनी टाइल लगी, 12 पहले लाइन में आई थी और 9 इस लाइन में, तो 12 × 9 108, और 3x3 की कितनी लगी, 3 इस लाइन में, 4 लगी ना, 4 और इस लाइन में 3, 4 किया ये 12 टाइल लगी। चलो एक सवाल और देखते हैं हम इसी प्रकार से जल्दी जल्दी करके, अगर मेरे पास 8x8 × 6 के आयताकार कमरे में टाइलें लगाते हैं, अब सीधा ही हम कर सकते हैं, 8 के गुणनखंड करेंगे, 1 2 4 3 नहीं बनेगा, 4 और 8, 6 के गुणनखंड करेंगे, 1 2 3 और 6, यहाँ पर हम सांझे लिखेंगे, सांझे गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या आएंगे, सांझे, एक तो 1 आएगा, 1 2 आएगा, तो इसमें केवल हम 1 और 2 की टाइलें लगा सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम पहले 2 की टाइल लगा के देखते हैं, देखो 2 2 की टाइल लगा रहा हूँ मैं, 1, ये 2 2 की कितनी टाइल लगेंगे, यहाँ पे 4 लगेंगी ना, सीधा ही दिखाई दे रहा है आपको, कितनी टाइल लगेंगे बच्चों, 4, ये आपको दिखाई दे रहा है सीधा ही, क्योंकि 8 है ना इसकी लंबाई, तो ये 2 2 की हमारी 4 टाइलें इसमें फिट हो जाती है।
टाइल काटनी नहीं है आपने, ध्यान रखना यहाँ पे। और इस साइड में हमारी ये तीन टाइल लगी, देखो ये चार और चार आठ और चार बारह, तो कितनी टाइल लगेंगी हमारी, बारह टाइल लगेंगी। अब हम दो दो की तो लग गई, अब हम तीन तीन की टाइल लगा के देखते हैं। ये तीन की टाइल है हमारी, ये भी तीन की टाइल है। अरे ये तो तीन और तीन छः, ये जगह तो दो ही बच गई ना, ये तीन की टाइल तो हमें फिर यहाँ लगाएंगे तो ये काटनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम तीन तीन की टाइल नहीं लगा सकते और ना ही चार चार की टाइल लगा सकते, क्योंकि अगर हम चार चार की टाइल लगाने लगे तो चार और चार इधर तो आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर हमने वर्गाकार टाइलें लगानी हैं तो हम उसका सांझे गुणनफल निकाल लेंगे। सांझे गुणनफल निकाल के सीधा ये बता सकते हैं भैया, तो एक की टाइल लगा सकते हैं या दो की टाइल लगा सकते हैं, यानी कि एक एक गुणा एक की टाइल, जैसे एक गुणा की एक की टाइल है ना, ये लगा सकते हैं। ये कितनी लगेंगी देखो, ध्यान से देखो, आठ इधर लगेंगी और छः इधर लगेंगी, तो ये लगेगी आठ गुणा छः, यानी कि अड़तालीस टाइलें लगेंगी। और अगर हम दो गुणा दो की लगाएं तो ये चार इधर लगेंगी, दो दो चार तीन इधर लगेंगी, तो चार गुणा तीन ये बारह टाइल लगेंगी। तो इसको हम अक्षेत्रफल की विधि से भी निकाल सकते हैं, अक्षेत्रफल के तरीके से कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, आठ छः अड़तालीस वर्ग फीट, और इस टाइल ये अड़तालीस वर्ग फीट आ गया। यहाँ पर इस टाइल का क्षेत्रफल कितना है, इस टाइल का क्षेत्रफल कितना, दो ये है और दो ये है, चार वर्ग फीट है। कितना है इसका, चार वर्ग फीट। और ऐसी बारह टाइल लगी तो इसका बारह गुणा चार अड़तालीस वर्ग फीट आ गया। इसको हम क्षेत्रफल की विधि से भी कर सकते हैं।